वियरकम कोजवे पर गत रोज एक भाई ने दूसरे भाई पर तलवार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। एमडी ड्रग्स की मुखबिरी करने की रंजिश में बड़े भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर छोटे भाई को मार डाला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच में जुटी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने एक महीने पहले भी अपने भाई पर तलवार से जानलेवा हमला किया था। मिली हुई जानकारी के मुताबिक रांदेर के इकबाल नगर में रहने वाले 38 वर्षीय रहमान सैयद कैटरस का काम करता था। गुरुवार को सलमान ने आरिफ से कहा कि तुझे तुफैल और अप्पू बुला रहे हैं। उसके बाद आरिफ को अपने साथ ले गए और सुल्तानिया जिम खाने के पास रुक गए। वहां पहले से तुफैल, अप्पू, शमशेर, अल्लाह रखा, रसीद, फरहाद जिम खाने के पास मौजूद थे। तुफैल ने कहा कि अल्ताफ और इस्माइल के कहने पर आरिफ को लेकर आया हूं। इसके बाद शमशेर, लाला और रसीद ने आरिफ से कहा कि तू पुलिस को बहुत खबर देता है, तू बहुत बड़ा खबरी है, आज तू नहीं बचेगा। उसके बाद शमशेर, लाला, रसीद और फरहाद ने उसे पकड़कर बारी बारी से तलवार से हमला कर फरार हो गए। आरिफ को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। घटना के संदर्भ में पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की गिरफ्तारी की है और आगे की जांच शुरू की है। મદનની ઘટના બની છે શું હકીકત છે? રાંદેર વિસ્તારના કોઝો વિસ્તાર છે, એમાં વહેલી સવારમાં એક મર્ડરની ઘટના બની છે જેમાં આરિફ ઉર્ફ અબ્દુલ સૈયદ છે એને મર્ડર કરવામાં આવેલું છે। જૂની અદાવત હતી 3/10 પણ એને ફરિયાદ દાખલ કરાવેલી હતી અને જે આરોપીઓ છે એને અટક કરી અને કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી હતી। જૂની અદાવતને ધ્યાનમાં રાખી અને ફરી આજે જ્યારે મોકો મળે ત્યારે આરોપીઓએ એને સજાથી હુમલો કરી અને એનું મર્ડર કરવામાં આવ્યું છે। પ્રાથમિક તપાસ માટે બહાર કઈ કારણ છે? પ્રાથમિક તપાસની જૂની અદાવતને કારણે હાલ તપાસ ચાલુ છે। रिपोर्ट बाय परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज़, सूरत।